बलरामपुर हरैया सतघरवा में संचालित इंडियन बैंक शाखा, जहां ठगे जा रहे खाताधारक शिकायतकर्ता की बात में दम दिखने पर जांच शुरू। मोहम्मद इस्माइल ने ललिया के सीओ दरवेश कुमार से संपर्क कर अपनी पीड़ा बताई। पहली बार सीओ को इस्माइल की बात पर भरोसा नहीं हुआ। सूझबूझ से काम लेते हुए उन्होंने प्रकरण की प्रारंभिक जाँच कराई तो मामला संदेहास्पद निकला। शिकायतकर्ता की बात में दम दिखाई पड़ा तो उन्होंने बैंक कर्मियों पर शिकंजा कस दिया। इस्माइल की तहरीर पर शाखा प्रबंधक नसीम हैदर रिजवी, सहायक शाखा प्रबंधक सुमित मिश्रा, लिपिक राजेंद्र कुमार, कैशियर रवि प्रताप, वसूली अभिकर्ता दीपू यादव, बैंक मित्र आदर्श श्रीवास्तव व आदेश कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। बैंक वालों ने बहुत बड़ी धोखाधड़ी की। हमने 95,000 रुपया 11/7/2023 को जमा किया, हमको पावती यानी रसीद दी गई और हमारे पासबुक पर उसको प्रिंट भी चढ़ा भी दिया गया। उसके बाद हमने 27/7/2023 को 1,00,000 जमा किया, उस दोनों को चढ़ा करके पासबुक हमें दे दिया गया, रसीद दोनों की हमारे पास है। और उसके बाद जो हम 17/11/2023 को आए 10,000 रुपया निकालने के लिए, हमने पैसा निकाला, उसके बाद हमने कहा कि ये हमारा पासबुक प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट किया तो उसमें 95,000 रुपया चढ़ा नहीं था। हमने फौरन मैनेजर से कैशियर से पूछा तो उन्होंने कहा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।